अपडेट करें आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ को देखकर मस्जिद नबवी में नारे लगाए गए। जायरीन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वफ्द को देखकर चोर चोर के नारे बुलंद किए। वफ्द में शामिल एक रुकन नारे लगाने वालों के पीछे भी दौड़ा। People are saying "Chor" to Shahbaz Sharif's government. मदीना मुनव्वरा के ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पाकिस्तानी हुकूमती वफ्द का इस्तकबाल चोर चोर के नारों से हुआ। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगु करते हैं। फवाद साहब, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? फवाद साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो कहिए आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे सारी सूरत हाल पर? ये नारे इनका मस्जिद नबवी में ताकुल कर रहे दब गई, जो चोर चोर के इतने ज्यादा नारे लगे हैं। अच्छा, अब मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग हुकूमत में हैं और अंदाजा लगाए। असल में लोग जो है ये जो मामला है कि जिसमें लग रहा है वाजे है कि ये एक फॉरेन गवर्नमेंट की मां के ऊपर पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं। लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है, मुझे नहीं पता कि ये कितना एहसास है इनमें और ये जो इस वक्त सेटअप है उसमें ये एहसास है कि लोगों को उनकी शक्लों से नफरत है या कितना है इसकी मुझे एक्सटेंड नहीं पता। लेकिन आज जब वो मस्जिद नबवी में गए हैं तो उनको एहसास हो गया होगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की आंखों में इस वक्त एक नफरत है इस पूरे इस निज़ाम के लिए और लोगों के लिए जो इस निज़ाम का हिस्सा है। और मेरा ये ख्याल है कि कभी भी ये लोग गलत नहीं समझेंगे। तो पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है वो एक बहुत अंधेरी तरफ जा रहा है। ये जिस तरीके से आगे हम देख रहे हैं, चुनावे हैं, कभी अक्षर शरीफ के खिलाफ छापे हो रहे हैं, कभी कासून के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, ARY ग्रुप के ऊपर प्रेशर आ रहे हैं। इस तरह के जो धमकियां मार रहे हैं उनसे ये संभलना नहीं है मामला। बहुत ज्यादा एक नफरत का समंदर है जो बहा के इनको मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है और ये नारे इनका ताकुब कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के ये मनाजिर हैं, जहां पाकिस्तानी हुकूमती वफ्द का इन नारों से इस्तकबाल हुआ। चोर 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 च